हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के बारे में। वीडियो इंपॉर्टेंट है सारे स्टूडेंट के लिए, वीडियो को एंड तक देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स लगातार प्राप्त हो रहे हैं कि सर आखिर में हमारी मार्कशीट हमें कैसे मिलेगी। खासकर ऐसे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं जिन्होंने प्राइवेट एग्ज़ाम पास किया है और उनका प्राइवेट रिजल्ट आ गया है। जिन स्टूडेंट का रिजल्ट आ चुका है वो स्टूडेंट अब लगातार कमेंट कर रहे हैं कि हम आखिर में कैसे अपनी मार्कशीट पा सकते हैं, यानी मार्कशीट लेने का क्या प्रोसेस होता है। और खासकर ये वो लोग हैं जिन्होंने प्राइवेट पास किया है और इसके साथ साथ रेगुलर वाले भी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि हमारी मार्कशीट कब तक आ जाएगी और क्या इसके लिए कोई फॉर्म भरना पड़ता है या कॉलेज से ही हमें आसानी से जाके मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान दें कि जो रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं जो किसी कॉलेज से रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनकी मार्कशीट उनके कॉलेज में ही मिलती है, लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर होने के लगभग 1.5 से 2 महीने बाद आप आसानी से अपने कॉलेज जाकर अपनी मार्कशीट पा सकते हैं। आपको कोई भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है रेगुलर वाले स्टूडेंट। उसके बाद अब बात कर लेते हैं प्राइवेट वाले स्टूडेंट के लिए कि प्राइवेट वाले स्टूडेंट के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, कैसे आपकी मार्कशीट आपके पास पहुंचती है, इसके लिए क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है। तो आपको कुछ भी प्रोसेस नहीं करना पड़ता है, आपको मार्कशीट के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि जब कुछ नहीं करना पड़ेगा तो हमारी मार्कशीट हमारे पास कैसे आएगी, क्या यूनिवर्सिटी भेजेगी या हमें यूनिवर्सिटी जाकर लेना होगा। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल कन्फर्म रहें कि आपकी मार्कशीट आपके घर पर आएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना, आपकी मार्कशीट आपकी घर पर आएगी और बाय पोस्ट आएगी। कानपुर यूनिवर्सिटी में जितने भी प्राइवेट स्टूडेंट पढ़ते हैं डिग्री होने के बाद, यानी उनका थर्ड ईयर होने के बाद, उनकी मार्कशीट कानपुर यूनिवर्सिटी द्वारा बाय पोस्ट उनके पते पर भेजी जाती है। आपने जब भी फॉर्म भरा था, जब आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी आपने फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने के समय आपने उसमें एड्रेस भी डाला था। आप ध्यान करिएगा, अगर आपके पास फॉर्म रखा है तो आप ध्यान से पढ़िएगा, उसमें आप अपना एड्रेस भी डालते हैं। आपके द्वारा दिए गए एड्रेस पर ही कानपुर यूनिवर्सिटी आपकी मार्कशीट बाई पोस्ट आपको भेज देती है। इसको आने में लगभग थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन कन्फर्म है लगभग 2 से 2.5 महीने के अंडर में ही आपकी मार्कशीट आप तक आसानी से पहुँच जाती है। तो फ्रेंड्स, जो भी प्राइवेट स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे हैं कि उनकी मार्कशीट कैसे मिलेगी, तो उनकी मार्कशीट घर बैठे मिलेगी, बाय पोस्ट मिलेगी, जो कि कानपुर यूनिवर्सिटी का प्रावधान है आपके लिए। आपको मार्कशीट पाने के लिए कोई भी फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, अतिरिक्त फीस कटाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कानपुर यूनिवर्सिटी आपके घर बैठे आपके द्वारा दिए गए पते पर बाय पोस्ट आपकी मार्कशीट हर एक साल भेजती है। और रेगुलर वाले स्टूडेंट आप वेट करिएगा, आपकी मार्कशीट आपके कॉलेज से ही मिलती है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी ने अब तक काफ़ी सारे रिजल्ट जारी कर दिए हैं और काफ़ी सारे रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर करना बाकी है, वो आप थोड़ा वेट करिएगा क्योंकि अभी तक 1-2 रिजल्ट, खासकर अगर प्राइवेट वाले स्टूडेंट की बात करें तो अभी तक रिजल्ट कानपुर यूनिवर्सिटी लटकाए हुए हैं, जल्द से जल्द इसको घोषित करने की पूरी संभावना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।